हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड द शेडेड पोर्शन। तो हमें फ्रैक्शन में लिखना है जो शेडेड पोर्शन है, ठीक है। अब ये फिगर है फर्स्ट, तो यहां पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो बॉक्सेज हैं 1 2 3 4 बॉक्सेज हैं। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 1, हमारे पास जो टोटल बॉक्सेस हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस फॉर, ये जो फिगर है चार पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस शेडेड। अब इसमें शेडेड कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 पार्ट शेडेड है यहां पर। तो फ्रैक्शन जो होगा यहां पर 2/4 शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट, यानी कि जो हमारे बॉक्सेस शेडेड बॉक्सेस है वो अपॉन टोटल बॉक्सेस हमारे पास जो है, तो फ्रैक्शन आ जाएगा 2/4। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट। सो टोटल जो बॉक्सेस हैं यहां पर, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल हमारे पास 9 बॉक्सेस हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस शेडेड। अब इसमें शेडेड कितने बॉक्सेस है हमारे पास? तो केवल एक पार्ट शेडेड नहीं है, तो टोटल 9 है, 9 - 1 8, यानी कि 8 पार्ट हमारे पास शेडेड है। अब फ्रैक्शन जो होगा हमारे यहां पर शेडेड पोर्शन 8, यानी 8 बॉक्सेस शेडेड है अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस यानी कि 9, तो यहां पर हमारा आ जाएगा 8/9, ये हमारा इसका फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। फिगर दी गई है और उसके नीचे फ्रैक्शन दिया गया है, तो इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमें इस फिगर के पार्ट्स को कलर करना है, ठीक है। इसका जैसे फर्स्ट पार्ट है, यहां पर एक सर्किल है, जो कि इस तरह से डिवाइडेड है 6 पार्ट में। जो फ्रैक्शन दिया गया है 1/6, ये हमें फ्रैक्शन दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे इसको सेट करना है उतने पार्ट। तो टोटल पार्ट जो है डिनोमिनेटर में होगा, टोटल पार्ट 1 2 3 4 5 6, और जो शेडेड पार्ट है वो न्यूमरेटर है हमारा, यानी कि जो शेडेड पार्ट है वो कितना होगा हमारा 1, केवल 1 पार्ट यहां पर सेट होगा, तो इसमें हम कोई भी पार्ट एक सेट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। फ्रैक्शन दिया गया है 4/9, फिगर इस तरह से है, यह वाली फिगर है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट में, ठीक है। इसका जो हमें फ्रैक्शन दिया है 4/9, यानी कि टोटल जो पार्ट है हमारे पास यहां पर बॉक्सेस जो है टोटल वो 9 है। अब जो न्यूमरेटर है वो कितना हमारा 4, यानी कि 4 बॉक्सेस इसमें सेड होंगे, तो इसमें हम कोई भी 4 बॉक्स सेड कर देते हैं, तो ये हमारा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा 4/9 को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Identify the error any, if any, ठीक है। अगर यहां पर कोई एरर है तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इसमें ये वाला पार्ट पोर्शन है, तो पहली फिगर देखते हैं इसकी। ये ट्रायंगल है,
यहाँ पर नीचे का पोर्शन जो है ये शेडेड किया गया है. दिस इज जो क्वेश्चन में दिया गया है दिस इज 1/2. तो हमें बताना क्या है यहां पर कोई एरर है. तो यहां पर ये एरर है. दिस फिगर इज नॉट 1/2 एज द टॉप एंड बॉटम पार्ट्स आर नॉट सेम. ठीक है, यहां पर जो दिया गया है शेडेड पोर्शन ये 1/2 दिया गया है जो कि करेक्ट नहीं है. करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि जो ऊपर वाला पोर्शन है और नीचे वाला पोर्शन है वो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है. अगर ये इक्वल होता तो ही हम इसको 1/2 लिखते. जैसे अगर हमारे पास ट्रायंगल इस तरह से होता और यहां पर एक लाइन हम यहां ऐसे ड्रॉ करते तो ये और ये आपस में इक्वल है. अगर मैं इसको शेडेड करता हूं तो हम बोल सकते हैं ये 1/2 है, लेकिन इस फिगर में इस तरह से हम इसको 1/2 नहीं बोल सकते. ठीक है, क्योंकि बॉटम पार्ट और टॉप पार्ट बहुत आर डिफरेंट, दोनों ही क्या है डिफरेंट है. ठीक है, तो 1/2 इस तरह से होगा हमारा जो होगा. नेक्स्ट देखते हैं. अब ये बताना है मुझे तो दिस इज 1/4, ये 1/4 है तो ये भी 1/4 नहीं है. ठीक है, दिस इज नॉट 1/4 एज ऑल फोर पार्ट्स 1, 2, 3, 4 फोर पार्ट है यहां पर. क्यों नहीं है ये 1/4, क्योंकि इसके जो चारों पार्ट्स हैं वो सेम नहीं है, आर नॉट सेम. ठीक है, 1/4 कब होता, अगर ये चारों पार्ट्स इक्वल होते और इसका एक पार्ट शेडेड होता तो हम इसको बोलते हैं 1/4. इस फिगर में क्या है ये चारों पार्ट जो है वो डिफरेंट है साइज में. ठीक है, तो इसलिए क्या है ये भी नॉट. नेक्स्ट देखते हैं इसका. ये फिगर दी है हमें. ठीक है, और यहां दिया है दिस इज 3/4 तो ये पोर्शन क्या है 3/4 है, यानी 3 पार्ट जो शेडेड है आउट ऑफ 4 पार्ट. तो ये भी हमारा क्या है दिस इज नॉट करेक्ट. ठीक है, दिस इज नॉट 3/4 एज ऑल द 4 पार्ट्स. क्यों 3/4 क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जो चार पार्ट हैं पर 1, 2, 3, 4 ये भी क्या आपस में सेम नहीं है. 4 पार्ट्स आर नॉट सेम. ठीक है, सेम कब होते हैं, अगर हमारे पास इस तरह से फिगर होती है और अगर इसके 3 पार्ट इस तरह से शेडेड होते तो हम इसको बोलते 3/4. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. सो 4 में क्या कहता है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर. तो हमें बताना है फ्रैक्शन निकालना है 8 आवर का टोटल डे से, 1 डे से. सो टोटल आवर्स इन आर डे फ्रैक्शन निकालना है, तो इसका मतलब दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए. 8 आवर का डे के साथ निकालना है तो डे को भी हम कन्वर्ट कर लेंगे आवर्स में. तो 1 डे में टोटल आवर्स होते हैं 24 आवर्स. और तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारे यहां पर,
8 hours upon 24 hours, total hours. So यहां पर आ जाएगा हमारा 8/24, तो ये हमारा इसका फ्रैक्शन आ जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट. तो एक घंटे का हमें निकालना है 40 मिनट के साथ फ्रैक्शन. सो टोटल मिनट्स इन एन आवर 60 मिनट होते हैं एक घंटे में. सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, यहां पर आवर का हमें मिनट 40 मिनट का आवर के साथ निकालना है. सो 40 मिनट अपॉन 60 मिनट, तो यहां से आ जाएगा हमारा 40/60. ठीक है, आवर को इसलिए मैं 60 मिनट में कन्वर्ट किया क्योंकि नीचे हमारा भी 40 मिनट था, ये ऊपर जो दिया हुआ है 40 मिनट, तो यूनिट सेम होनी चाहिए यहां पर. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर लंच. तो तीनों क्या है, लंच शेयर करते हैं. आर्या हैज बॉट 2 सैंडविच. आर्या 2 सैंडविच लाए, 1 मेड ऑफ वेजिटेबल एंड 1 ऑफ जैम. एक वेजिटेबल से बन गया था, दूसरा जैम से. द अदर 2 बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच. और जो 2 अलग बॉयज थे वो अपना लंच बॉक्स लाना भूल गए. आर्या एग्रीड टू शेयर हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन विल हैव इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच. तो आर्या जो है वो एग्री हो जाता है अपना सैंडविच शेयर करने के लिए दोनों के साथ. ठीक है, वो किस तरह से कि सभी को इक्वल इक्वल सैंडविच मिले दोनों ऑफ सैंडविच में से. हाउ कैन आर्या डिवाइड द सैंडविच सो दैट ईच ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर. तो किस तरह से आर्या डिवाइड करे कि तीनों को इक्वल पोर्शन मिले सैंडविच का, हमें इस क्वेश्चन में पहला पार्ट ये बताना है. ठीक है, मान लीजिए आपके पास 2 सैंडविच इस तरह से हैं, फर्स्ट ये होगा आपके पास सैंडविच और सेकंड सैंडविच ये होगा आपके पास. ठीक है, तो इसमें से जब डिवाइड करेगा फर्स्ट सैंडविच में से 3 इक्वल पार्ट में, इस तरह से हम डिवाइड कर देंगे. दूसरे सैंडविच में डिवाइड करेंगे वो इस तरह से डिवाइड कर देंगे. तो ये पार्ट फर्स्ट वाले को, ये दूसरे वाले को, ये तीसरे वाले को, यानी कि दोनों को इक्वल मिल जाएगा इक्वल पार्ट में. ठीक है, तो ये इनका डिवाइड करने का तरीका होगा. ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, आर्या विल डिवाइड बोथ सैंडविचेस इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, यानी दोनों सैंडविच को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. एंड गिव 1 पार्ट ईच टू ऑल ऑफ देम. और दोनों में से एक एक पार्ट एक को दे दिया जाएगा, एक हर एक को दे दिया जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका, कि व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव. तो कितना पार्ट सैंडविच का हर एक बॉय रिसीव करेगा, मिलेगा मतलब हर एक स्टूडेंट को. ठीक है, ये तो उसका ए पार्ट था. सो ईच बॉय रिसीव
कितना रिसीव करेगा? देखो टोटल हमारे पास जो है यहां पर वन, और टोटल कितने हैं अगर हम इस सैंडविच की बात करें तो यहां पर टोटल थ्री पार्ट है, वन टू थ्री, और उसको मिल कितना रहा है एक को, वन पार्ट, तो वन आउट ऑफ थ्री, तो हर एक स्टूडेंट को वन बाई थर्ड ऑफ द सैंडविच ये रिसीव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। सो सेवन में क्या कहता है कि कंचन डाइज ड्रेसेस, शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, शी हैज सो फार फिनिश 20 ड्रेसेस, 20 ड्रेसेस उसने ड्राई कर फिनिश कर दी, मतलब डाई, ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश, तो कितना पोर्शन उसने टोटल ड्रेसेस का फिनिश किया है वर्क। ठीक है, ये आपको बताना है। तो टोटल जो ड्रेसेस है यहां पर हमारे पास 30 है, ड्रेसेस शी फिनिश्ड, टोटल ड्रेस कितनी फिनिश की, 20, यानी कि 20 उसने डाई कर दिया। ठीक है, अब हमें फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन सी फिनिश्ड डाइंग, तो कितनी फिनिश करी, 20, टोटल कितनी है 30। ठीक है, यहां जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, तो इसको लिख सकते हैं हम 2/3, तो ये पार्ट आ गया हमारा इसका टोटल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, पहले तो मुझे लिखना है 2 से लेकर 12 तक नेचुरल नंबर लिखे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम, फिर उनका फ्रैक्शन लिखना है आर द प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स के साथ। ठीक है, तो नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12, सो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, ये हमारा नेचुरल नंबर आ गया 2 से 12 तक। ठीक है, अब प्राइम नंबर लिखना है मुझे, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स इनके अंदर से लिखने हैं हमें। ठीक है, प्राइम नंबर्स जो लिखने हैं वो इनके अंदर से ही लिखने हैं, तो पहले प्राइम नंबर 2, और प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर अपने आप से डिवाइड होते हैं। ठीक है, 2, 3, 5, 7 और 11, दीज आर द प्राइम नंबर्स, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल नंबर्स यहां से लेकर यहां तक काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो टोटल हमारे पास कितने आ गए, 11 नंबर आ गए। ठीक है, अब टोटल प्राइम नंबर कितने हैं यहां पर, टोटल प्राइम नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, टोटल प्राइम नंबर 5 है, तो यहां जो फ्रैक्शन होगा 5/11। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये कहता है राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 to 113, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें 102 से 130 तक नंबर लिखेंगे, टोटल नंबर कितने हैं, इनके बीच में जो प्राइम नंबर होंगे वो लिखेंगे, फिर वो नंबर देखेंगे कितने प्राइम नंबर है, और फिर हम सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो 10 में क्या कहता है कि व्हाट फ्रैक्शन, सो फ्रैक्शन बताना है हमें, ऑफ दीज सर्किल्स हैव एक्स इन देम। ठीक है, तो यहां पर फिगर जो दी गई है हमारे पास इस तरह से फिगर है,
और इसमें एक्स केवल चार सर्किल में दिया गया है, ठीक है। टोटल जो सर्किल हमारे पास 8 है, तो हमें फ्रैक्शन बताना है क्रॉस जो एक्स सर्किल है उनके साथ, ठीक है। तो पहले तो लिखते हैं यहां पर टोटल नंबर ऑफ सर्किल, नंबर ऑफ सर्किल्स टोटल जो हमारे पास ये टोटल 8 सर्किल है ये सारे, ठीक है। अब नंबर ऑफ सर्किल्स विद एक्स, जिनके अंदर एक्स है, ऐसे हमारे पास कितने सर्किल है, 4 सर्किल है। तो जो फ्रैक्शन होगा यहां पर 4/8, ये हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्रिस्टीन रिसीव अ सीडी प्लेयर, क्रिस्टीन को सीडी प्लेयर मिलता है फॉर हर बर्थडे, उसके बर्थडे पर। शी बॉट 3 सीडीज एंड रिसीव 5 अदर एज ए गिफ्ट, 3 सीडी तो उसने खरीदी और 5 उसको गिफ्ट मिली। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल सीडीज, तो फ्रैक्शन बताना है टोटल सीडी का, डिड शी बाय जो उसने खरीदी, एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज ए गिफ्ट, और दूसरा फ्रैक्शन बताना है जो उसको एज ए गिफ्ट मिली है सीडी उनके साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सीडीज बॉट, जो उसने खरीदी वो 3 है, सीडीज रिसीव जो उसको मिली एज गिफ्ट वो कितनी है, 5। तो टोटल सीडी कितनी होगी यहां पर, 3+5 यानी कि 8, टोटल हमारे पास होगी 8 सीडी, ठीक है। अब मुझे फ्रैक्शन निकालना है, फर्स्ट फ्रैक्शन शी बॉट जो उसने खरीदी, पहला पार्ट, ठीक है। तो यहां से फ्रैक्शन क्या होगा, कितनी उसने खरीदी, 3, टोटल सीडी कितनी है, 8, तो ये फ्रैक्शन आ गया। दूसरा हमें बताना है इसमें फ्रैक्शन सी रिसीव, जो से रिसीव हुई एज अ गिफ्ट, ठीक है। सो यहां से फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये दूसरा हमें बताना है। तो टोटल उसने जो हमें उसको मिली वो 5 और टोटल कितनी है, 8, सो ये 5/8। ओके, थैंक यू।